जैसे मेरे माइंड में तो कभी आइडिया आया ही नहीं, मैं तो बेवकूफ हूँ, है ना, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे मेरी जो वीडियोस अपलोड होती हैं, उसमें क्या कमेंट्स आते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक मछली की सोच, बड़ी मछली, आप उसको शार्क भी बोल सकते हो, उसकी सोच और एक मेंढक की सोच में क्या फर्क है। मेरी जब भी वीडियोस अपलोड होती है, हर वीडियो में ऐसे पता नहीं कितने सारे कमेंट्स होते हैं, सर आप एड ज्वाइन कर दो और वहां से जो पैसा आएगा वो डोनेट कर देना। Yes, sir. जैसे मेरे माइंड में तो कभी आइडिया आया ही नहीं, मैं तो बेवकूफ हूँ, है ना, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दी जिसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद भी खचरों को समझ नहीं आ रहा। अब देखो आपको बताता हूँ बड़ी सोच क्या होती है। अगर करना ही होगा तो मैं ये छिछोरा काम क्यों करूँगा, वहां से कितना आ जाएगा, 4-5 लाख रुपए महीने का आएगा। 4-5 लाख रुपए महीने में कितनों का भला हो जाएगा, 100 का भला हो जाएगा और कितनों का हो जाएगा। उसकी वजह से हर महीने के ऑन एन एवरेज 2 करोड़ व्यूज होते हैं मेरे चैनल पे। क्या उन करोड़ों का नुकसान नहीं हुआ, बीच बीच में एड्स आती रहेंगी? तो हो सकता है मैं कोई बहुत काम की बात कर रहा हूं लाखों रुपए की, उसके बीच में 2 कौड़ी की एड आ गई, तो उस बात की क्या वैल्यू रह गई। तो ये है मेंढकों की सोच। अब देखो शार्क की सोच क्या होती है। अब ये सोच आप सबकी सोच से परे है। वो जो प्राइवेट इक्विटी फंड के जो हेड थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आ जाओ जी, बैठते हैं, बात करते हैं। मेरे ऊपर पूरी रिसर्च करके आए हैं, इतनी रिसर्च जितनी आज तक मैंने खुद के ऊपर नहीं करी है। मेरे बारे में मुझे ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बता दी जो मेरे लिए भी नहीं थी। मैंने कहा अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा ये हो रहा है। उन्होंने पूरी रिसर्च करी कि आपका यूट्यूब के ऊपर 50 करोड़ से ऊपर व्यूज हो चुके हैं, फेसबुक के ऊपर भी 1 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स हैं, वहां पर भी 50 करोड़ से ऊपर व्यूज हो चुके हैं। और उन्होंने रिसर्च करी कि मेरे को सिर्फ वो लोग नहीं देखते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, मेरे को हर कोई देखता है, बिजनेस वाले भी और जॉब वाले भी, बड़े भी देख रहे हैं, छोटे भी देख रहे हैं। उनसे मीटिंग के बाद में मैंने भी इस चीज़ को वेरीफाई किया प्रैक्टिकली। यूट्यूब में पीछे एनालिटिक्स होता है जहां से जाकर के हम देख सकते हैं। तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं मेरे को देखने वाले जो 25 साल से नीचे हैं, और आधे लोग ऐसे हैं जो 25 से ऊपर हैं। नहीं तो ज्यादातर आप लोगों को देखोगे वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में होते हैं। कुछ होते हैं उनको सिर्फ स्कूल कॉलेज के बच्चे देखते हैं, कुछ होते हैं उनको सिर्फ बड़े बूढ़े देखते हैं। मेरा सेगमेंट क्या है, अक्रॉस डेमोग्राफिक्स बोलते हैं इसको, अक्रॉस ऑल डेमोग्राफिक्स, ये रीच है। अब अगर इसको मोनेटाइज करना हो या इससे पैसा कमाना हो, तो एक है छोटी सोच, मेंढक की सोच। वो क्या है, सर एड्स ऑन कर दो, महीने का 4-5 लाख रुपए आएगा, ये वो वट। अब देखो बड़ी सोच क्या है, कैसे मोनेटाइज हो सकता है, करोड़ों लोग हैं यहां पर। अगर ये सारा कंटेंट जो अभी यूट्यूब पे फ्री में है, अगर उसको वहां से हम निकाल लें, या वहां पर वीडियोस हो भी तो छोटी छोटी हो, 2-2, 3-3 मिनट की, जो एक तरह की एड होगी, ट्रेलर है कि ये फ्री में आपको मिल रहा है 2-3 मिनट की वीडियो, अगर पूरी देखनी है 20 मिनट की, आधा घंटे की, तो यहां पर जाओ। ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है जहां पर आपको सब्सक्राइब करना है, सिर्फ 99 रुपए एक महीने का है, जहां पर आपको अनलिमिटेड मेरी वीडियोस मिलेंगी, और वहां पर मैं तेजी से अपना कंटेंट अपलोड करने लग जाऊं। और सिर्फ मेरी ही नहीं, और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इंडिया में जो पॉपुलर हैं, उनकी भी हो। इसको बोलते हैं फ्रीमियम मॉडल। एक होता है फ्री मॉडल, एक होता है प्रीमियम मॉडल, इसको बोलते हैं फ्रीमियम। ये फ्री में पहले लत लगा दी पूरे हिंदुस्तान को, एंड में कहा कि भैया हमने तो आपका काट दिया है। जैसे ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स yes, पहले तो दे दी फ्री में, ले लो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, प्लेट में सर्व कर दी, उसके बाद में भाई इतने की मिलेगी, लेना है ले, नहीं लेना आगे बढ़ा। अब तो लत लग गई है, कई साल हो गए आपको लत लगे हुए। इतने पुराने पापी बैठे हैं यहाँ पे जो मेरे कई सालों से वीडियोस देख रहे हैं। अरे अब देखो आपके साथ क्या होने वाला है। ये है उन भाई साहब का प्लान, और बड़ा तगड़ा प्लान है ये, कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। कि अगर आज मैं डिसीजन लेता हूं कि मेरा सारा कंटेंट फेसबुक से, यहां से, वहां से, सब जगह से निकल गया, जो छोटी मोटी वीडियोस हैं, एक तरह की एड्स हैं, वो वहां पर हैं, पूरी जो कंप्लीट वीडियोस हैं वो वहां पर है, एक सब्सक्रिप्शन सर्विस। अब चाहे उसकी हम ऐप बनाएं, चाहे ऑनलाइन हम एक सब्सक्रिप्शन सर्विस बनाएं, कुछ भी करें, और वहां पर सिर्फ अकेले मेरी वीडियोस नहीं है, मतलब एक मोटिवेशन की पूरी दुनिया है, इंस्पिरेशन की पूरी दुनिया है, जहां पर आप जाओगे एनर्जाइज हो जाओगे, एक लाइफ चेंजिंग वर्ल्ड है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, उनके वर्ड्स है। लाइफ चेंजिंग वर्ल्ड, कि इस दुनिया में अगर आप आओगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
अब अगर ये सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च होती है तो सारे तो नहीं लेंगे, ये जो करोड़ों लोग हैं वो तो नहीं लेंगे, कितने ले पाएंगे, उसमें से कितने अफोर्ड कर पाएंगे? मान लो 10 लाख लोगों ने 2,100 रुपए महीने का दिया, महीने का कितना हो गया? 10 करोड़। एक साल का कितना हो गया? 120 करोड़। कम होता है क्या? इसका मतलब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन आज की डेट में हो गई 1,000 करोड़ की, और उनकी तरफ से ऑफर था बिल्कुल क्लियर, फॉर 10% स्टेक वी आर रेडी टू गिव यू 100 करोड़। मतलब 100 करोड़ मुझे आज देने के लिए वो तैयार बैठे हैं, मेरे को सिर्फ हाँ बोलना है, मुझसे ये वर्ड निकलना है हाँ हाँ। तो अब उसमें क्या हुआ, मेरे पास में 100 करोड़ आ गया, उस 100 करोड़ का क्या करेंगे? कंटेंट तो मेरे पास में है, ज्यादातर क्या होता है पैसा आता है उससे कंटेंट बनाया जाता है, कंटेंट तो बहुत है, और थोड़ा बहुत ऐड करना है वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। फॉर एग्जांपल जो और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको बोला अच्छा एक दिन का आप कितना चार्ज करते हो, वो कहेंगे हम 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं, हम आपको 20 लाख देंगे आ जाओ। 20-20 लाख रुपए अगर मैंने 10 बंदों को भी दिया तो कितना आया? 2 करोड़। तो 2 करोड़ ही तो लगा 100 करोड़ में से, लेकिन उससे वैल्यू कितनी बढ़ गई इस ऐप की या इस सब्सक्रिप्शन सर्विस की, कमाल की हो गई ना। कंटेंट में ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला, तो पैसा लगेगा कहां? हम स्पोर्ट्स से टॉप पे जो भी लोग हैं, अरे मैं नाम नहीं ले रहा यार, क्या कांग्रेस की घुसते चले जा रहे हो, उनको पकड़ा, उनको बोला आप कितना लेते हो एक एंडोर्समेंट का? 1 करोड़ लेते हो? कोई नहीं, हम आपको 2 करोड़ देंगे, 3 करोड़ देंगे, 5-100 करोड़ है, बहुत होता है। तो ऐसे एक किसी को लिया क्रिकेट से, एक लिया बैडमिंटन से, उन्होंने आकर के क्या बोला कि मैंने जब से सब्सक्रिप्शन सर्विस ली है मेरी जिंदगी बदल गई है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आइए यहां पर ये सब्सक्रिप्शन सर्विस लीजिए, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं या करती हूं। अगर वो लोग बोलेंगे तो ये किस लेवल पे जाएगी गेम, यानी वो जो 100 करोड़ आया हमारे पास में उसमें से 10 करोड़ हमने लगा दिया कॉन्टेंट क्रिएशन में, जहां पे औरों से हमने टाइप कर लिया। 90 करोड़ में हमने क्या किया, एक बॉलीवुड से किसी को पकड़ा, मेल को और एक फीमेल को, वो भी आकर के यही बोल रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है इंडिया मतलब क्रिकेट बॉलीवुड, समझ गए, सब आकर के बोल रहे हैं कि जब से मैंने संदीप महेश्वरी को देखना शुरू किया है मेरी जिंदगी बदल गई है। बदली या नहीं बदली उससे क्या फर्क पड़ता है, बोलना ही तो है, और बोल ही तो रहे हैं वो, बोलने की तो पैसे ले रहे हैं, वो कौन सा वो चीजें खाते हैं जिसकी वो ऐड कर रहे हैं, तो ये भी कर देंगे, उनका क्या जा रहा है, उनको तो पैसे ही मिल रहा है। जहां आप जा रहे हो यूट्यूब पे, यहां हर तरफ उन्हीं के आपको चेहरे नजर आ रहे हैं, और वो मेरे बारे में बोल रहे हैं सब्सक्राइब टू संदीप महेश्वरी, देख पा रहे हो कितनी बड़ी रेवोल्यूशन क्रिएट हो रही है। अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाएगी, वो कहेंगे अच्छा ये भी इनको सुनते हैं, ये भी सुनते अभी भी सारे हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, बोलने के पैसे लगते हैं। दस करोड़ वहां गया, 20 करोड़ यहां गया, बचा कितना? 70 करोड़। और इस 70 करोड़ में से 10 करोड़ हमने लगा दिया इस ऐप को बनाने में, वेबसाइट और टॉप क्लास, मतलब ऐसी ऐप जो देखे बंदा उसको मजा आ जाए। उसमें कुछ फ्री की वीडियोस होंगी छोटी छोटी, 2-3 मिनट की, पूरी चाहिए तो भैया ये सब्सक्रिप्शन लो, हर एक के एंड में यही आ जाएगा 99 रुपए दे दो, 99 रुपए दे दो। बाकी का जो पैसा बचा कितना बचा? 60 करोड़। वो 60 करोड़ लगेगा एडवर्टाइजिंग में, किसी मीडियम को नहीं छोड़ेंगे, जो टीवी ऑन करोगे वहीं पे ये एड्स नजर आ रहे हो। मजा आएगा नहीं आएगा? तो अभी जो मैंने फिगर बोली है वो कहां पहुंच जाएगी? 1 करोड़ लोगों ने 100 रुपए महीने का दिया, तो महीने का कितना आया? 100 करोड़। साल का कितना हुआ? 1200 करोड़। ये है प्लान अगले 2 साल के अंदर अंदर जब ये सब हो जाएगा। तो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई, किसी को आइडिया है वैल्यूएशन कैसे काम करती है? मल्टीपल चलता है वहां पर, अगर उसका मल्टीपल मैं ये भी लगाऊं मिनिमम 20 भी लगा करके चलूं, तो 1000 करोड़ का 20 होता है 20,000 करोड़। ये प्लान है अगले 2-3 साल के अंदर, और यहां पे खेल खत्म नहीं हो रहा है, यहां से खेल असली शुरू होगा, क्योंकि उसके बाद क्या किया जा सकता है, उसके बाद मेरे नाम के प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं। हर सेमिनार में एक ही क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि सर आपके जैसी एनर्जी कहां से आएगी, ये बोतल आप देख रहे हो यहां से आएगी, 500 रुपए की बोतल है, 400 रुपए मेरी जेब में जा रहा है, लाखों बोतल बिक रही है, वहां से अगेन करोड़ों रुपए आ रहा है। तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ते बढ़ते 20,000 करोड़ से कब 1 लाख करोड़ पहुंच जाएगी पता भी नहीं लगेगा। जहां इन्वेस्टर्स आ गए
मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो दिमाग लगाएंगे। उनका एक ही मकसद है कि भैया आज अगर मुझे 100 करोड़ दे रहे हैं तो कल उन्हें यहां से 1000 करोड़ रुपए चाहिए। वो कैसे मिलेगा उनको? जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। और कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसके लिए मुझे कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगानी है, सब कुछ हो चुका है, काम कंटेंट है, वीडियोस है, यूजर बेस है। तो आई एम करेंटली इन अ पोजीशन जहां पर जैसे मर्जी चाहूं वैसे इसको इनकैश कर सकता हूं, और इस लेवल पे कर सकता हूं जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता है। अरे आज क्या कभी नहीं करूंगा, मेरे मरने के बाद भी ये नहीं होगा, माय कमिटमेंट। अपनी वसीयत में लिख करके जाऊंगा अपने बच्चों के लिए, बेटा कुछ भी करना ये मत करना, मेरे इस काम को मत छेड़ देना, ये सब फ्री था, फ्री है और फ्री ही रहेगा, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। अब सवाल उठता है, जब यहां से मुझे साफ नजर आ रहा है कि 1 लाख करोड़ मैं कमा सकता हूं, चलो 1 लाख करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन हुई, उसमें से तब स्टेक कम करते 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 मेरे हाथ में 10% भी बचा, 10,000 करोड़ आ गया अगले 5 साल में, तो मैं क्यों नहीं कमा रहा 10,000 करोड़? देखो अगर मैं ये करता हूं तो वो लोग जो ये 100 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते महीने का, 100 रुपए सुनने में छोटा लग रहा है बट 100 × 12 करते तो 1200 रुपए हो गए एक साल का। ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में जो ये 1200 रुपए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? बहुत है जी। उनका क्या, वो तो गए। देखो ध्यान से समझना, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो मैंने एक कुआं ऑलरेडी खोद लिया है जो मेरा बिजनेस है, छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे जितना चाहिए, जितनी मेरी जरूरत है उतना मेरे पास में है। तो ऐसे फुद्दू काम करने की क्या जरूरत है? जब मेरे को चैन की नींद आ रही है तो अपनी नींद क्यों उड़ानी है इन चक्रों में?